और गुड़गांव में एक महिला और पुरुष चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। चोरी दोहराने पर मॉल वालों ने दोनों को पहचान लिया और पकड़ लिया। गुड़गांव में सीसीटीवी ने पकड़वाए बंटी बबली। सुपरमार्केट में करते थे घरेलू सामान की चोरी। सामान चुराने के लिए बनवाई खुफिया जेल। सुपरमार्केट के कर्मचारियों ने पकड़ा। ये गुड़गांव के पौष इलाके सुशांत लोक का एक सुपरमार्केट है और ये मोहतरमा लगी है यहाँ से सामान उड़ाने में। ये देखिए, महिला ने अपने सलवार में इतनी लंबी जेब बनवाई कि उसमें 2 लीटर की बोतल भी घुस जाए। इससे पहले दोनों ने 2 मई और 14 अप्रैल को भी चोरी को अंजाम दिया था। पकड़े जाने के बाद अब ये अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। हम ज्यादा ये काम प्रोफेशनली नहीं करते हैं। ये इसके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इस वजह से मैं इनके साथ आ गया। इन्होंने बहुत जिद करी, 2-3 महीने पहले इनके यहाँ आए थे और इनके पास तो कैमरे हैं, रिकॉर्डिंग थी, तो इन्होंने पकड़ लिया। एक तो जगह पहले भी करी हुई है। कहाँ पर ये चीज छुपाते थे? किस तरह से? जेब में, जेब बनी हुई है। कौन आपके साथ है? किस तरह पूरा वारदात, कितने सालों से ये करते आ रहे हो? 5-6 महीने से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, तभी से मैंने ये काम किया। कई महीनों से खेल चल रहा था लेकिन आखिरकार सीसीटीवी ने रंग में भंग कर दिया। सोमवार को जैसे ही ये स्टोर में पहुंचे, सीसीटीवी कैमरे में पुरानी तस्वीरें देखकर कर्मचारियों ने पहले ही पहचान लिया। मामला गड़बड़ देख दोनों ने भागने की कोशिश की मगर मार्ट के बाहर धरे गए। खास बात ये है कि दोनों चोर अपनी कार से आते थे। काफी सामान, काफी पहले इन्होंने 10-15 हज़ार रुपए सामान काफी ले गए थे, उसके बाद भी ले गए थे, काफी सामान इन्होंने चोरी करी हुई है। क्या 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 सामान ले जाते हैं? कई बार तो बच्चों की शेविंग लोशन वगैरह, तो मेन के शेविंग लोशन ले गए थे, कलर्स वगैरह ले जाते हैं। ये ऐसे नहीं, इनके जैसे कई आते हैं, कईयों को हमने पकड़ा हुआ था, कईयों को हमने ट्रैक कर रहे हैं। और ऐसे चोर अच्छी फैमिली बिलोंग करने वाले ज्यादातर आते हैं। पकड़े जाने के बाद दोनों को गलतियों का एहसास हुआ और इन्होंने अपनी माफी मांग ली। स्टोर मालिक ने भी तरस खाकर इन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। समय के लिए गुड़गांव से मनोज कुमार।